ई अटेंडेंस के विरोध में उतरे स्कूलों के कर्मचारी। मातंड स्कूल के टीचरों ने खुलकर जताया विरोध। शासन ने स्कूल विभाग के समस्त कर्मचारियों को ई अटेंडेंस के द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा है, जिसके विरोध में उतर आए हैं समस्त स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी। उनका कहना है, स्कूलों में काम करने वाले आधे से ज्यादा कर्मचारियों टीचरों के पास सर्व सुविधा युक्त फोन नहीं है। गाँव में आए दिन लाइट नहीं रहती। व्यवहारिक रूप से यह आदेश ठीक नहीं है। शिक्षकों का यह भी कहना था, शिक्षक शासन के सारे कामों को करते हैं, फिर भी शासन उसे शक की नजर से देख रहा है। इस बारे में आइए जानते हैं शिक्षकों का क्या कहना है। ये शासन का जो शिक्षा विभाग में केवल ई अटेंडेंस लगाने का आदेश है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, अध्यापक, समस्त साथी, क्योंकि इससे व्यवहारिक दिक्कतें हैं गांवों में। न तो हर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में बिजली है, 50% लोगों के पास तो फोन ही नहीं है, मात्र 20% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है, कुछ लोगों के पास रेगुलर काम चलाने वाला फोन है। इसलिए ये जो है इससे भारी दिक्कत है शिक्षा जगत में, और शिक्षा जगत का ये अपमान हम नहीं सहने की स्थिति में है। अगर शासन को लगता ही है कि अटेंडेंस आवश्यक है, तो शासन ये कहे कि जो शासकीय मद से जो भी वेतन पाते हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, वो सब ई अटेंडेंस लगाएंगे। रजिस्टर में कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे, हमको मंजूर है। वहाँ बैठे लोगों को, भोपाल में बैठे लोगों को जानना चाहिए कि हमारा देश गाँवों में बसता है। हर प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय में न तो बिजली है, न सबके पास मोबाइल है, और इसकी खामियां इतनी हैं कि आप अटेंडेंस लगाइए। यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय में तो अटेंडेंस लगता है गुड़हार से, अटेंडेंस लगता है सिरमौर से, अटेंडेंस लगता है हिमाऊगंज से। लोकेशन 20 किलोमीटर दूर बताता है, 20 किलोमीटर लोकेशन दूर बताता है। तो मेरा ये आग्रह है शासन से कि शासन शिक्षा जगत के लोगों का अपमान न करे और शिक्षा जगत की परीक्षा न ले। ई अटेंडेंस की जो योजना है उसको तत्काल वापस लेते हुए, जो पुरानी योजना है उसको बहाल करें और उस तरह से उपस्थिति दर्ज करा दें।